आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद से ही डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के बाद ही ममता सरकार ने एंटी रेप बिल पेश किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार के दिन ममता सरकार ने कानून मंत्री मोलॉय ने एंटी रेप बिल पेश किया। इस बिल का नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है। बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने और मामले में जांच 36 दिन में पूरी करने का प्रावधान भी है। बिल पारित करने के लिए 2 सितम्बर से 2 दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया। इसका मकसद वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। अगर रेप के दौरान विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो इस स्थिति में रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। बिल में कहा गया है कि रेप गैंगरेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाए, इसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाए, इस दौरान उसे पेरोल भी ना दी जाए। मौजूदा कानून के तहत उम्र कैद की कम से कम सजा 14 साल है। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उसे माफी भी नहीं दी जानी चाहिए, ये भी कहा गया है। पेरोल उसे लेकिन दी जा सकती है और एक समय में उसकी सजा माफ भी की जा सकती है। सजा कम करने की भी बात कही गई है, लेकिन जेल में 14 साल बिताने होंगे। बिल ड्राफ्ट में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, 66, 71, 71, 72, 73, 124 सेक्शन 1 और 124 सेक्शन 2 में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य तौर पर रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंग रेप, लगातार अपराध करना, पीड़ित की पहचान उजागर, एसिड अटैक के मामले शामिल हैं। इसमें सेक्शन 65 सेक्शन 1, 65 सेक्शन 2 और 70 सेक्शन 2 को हटाने की जो बात है वो इसमें रखी गई है। इसमें 12, 18 और 16 साल से कम उम्र के दोषियों को सजा भी दी जाती है। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक रेप के मामलों में जांच 21 दिन के भीतर पूरा कर ली जानी चाहिए, ये कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में ये भी कहा कि लगातार सीबीआई इतने दिनों से जांच कर रही है लेकिन नतीजा अब तक कुछ भी नहीं निकला है। ममता बनर्जी ने इस बिल को पेश करने के साथ ही इस पर जब बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो इस दौरान ये कहा कि आप देख लीजिए उन्नाव और हाथरस, क्या यहाँ पर पीड़िता को न्याय मिला? ये सवाल ममता बनर्जी ने खड़े किए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें न्याय दिलाने के लिए सीबीआई की मदद नहीं चाहिए, ये कानून जब बनेगा तो उसके साथ ही न्याय पीड़िता को मिलना शुरू हो जाएगा। इस जांच को 15 दिन बढ़ाया जा सकता है, ये भी ममता बनर्जी ने कहा, लेकिन ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इसके बराबर के रैंक वाले अधिकारी ही करेंगे। इससे पहले उन्हें लिखित में इसका कारण केस डायरी में बताना होगा। आदतन अपराधियों के लिए भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में है। इसमें दोषी को अपनी आयु पूरी करने तक जेल में ही रहना होगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव है जिसका नाम अपराजिता टास्क फोर्स होगा। इसकी अगुवाई डीएसपी करेंगे। ये टास्क फोर्स नए प्रावधानों के तहत मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार होगी। बिल में कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जांच टीमें बनाई जाएंगी, इन्हें जरूरी संसाधन और विशेषज्ञ मुहैया कराए जाएंगे जो रेप और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले देखेंगे। इनका काम तेजी से जांच, जल्द न्याय दिलाना और पीड़ित को होने वाले ट्रॉमा को कम करना होगा। रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए नया रूल, कोर्ट की कार्रवाई को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले इजाजत लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। कोलकाता में 27 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के घटना के विरोध में छात्र संगठनों ने राज्य सचिवालय तक मार्च निकाला। इस मार्च को नबन्ना अभियान नाम दिया गया। माना यह जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल बहुत जल्द पास हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम समर्थन देंगे अगर ऐसा कोई बिल पेश किया जाता है तो। बंगाल सरकार के बिल में कहीं भी 10 दिन के भीतर दोषी को फांसी की सुनाने का जिक्र नहीं है। हालांकि ये बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधन का प्रस्ताव करता है जिससे पुलिस की जांच और ट्रायल कंप्लीट करने की डेडलाइन कम कर दी गई है।
बंगाल सरकार का बिल कहता है कि पहली जानकारी मिलने के बाद 21 दिन के भीतर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। अगर 21 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो कोर्ट 15 दिन का समय और दे सकती है, लेकिन इसके लिए पुलिस को लिखित में देरी की वजह बताना होगा। जबकि BNSS पुलिस को 2 महीने में जांच पूरी करने का समय देती है, 2 महीने में जांच पूरी नहीं होने पर 21 दिन का समय और मिल सकता है। इसके अलावा बंगाल सरकार के बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 1 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा, जबकि BNSS में 2 महीने का समय है। फिलहाल इस बिल को ममता सरकार ने विधानसभा में पेश किया है। विधानसभा से ये बिल पास हो जाता है तो इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बनेगा, लेकिन तब तक इस पर अभी चर्चा जो है अभी देखने को मिल रही है सदन में। ममता बनर्जी ने बड़ी बातें की हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव और हाथरस में जो कांड हुआ, जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिलने की भी बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते, ना ही सरकार के भरोसे रह सकते, कानून के हिसाब से चलना होगा, जिसके लिए हम एक विशेष जो बिल है वो पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि आखिर क्यों नहीं पहले पुलिस ने इस पूरे मामले में अलर्टनेस बरती और क्यों नहीं पहले ही इस मामले में जो है जानकारी साझा की गई, आखिर क्यों इस पूरे मामले को सुसाइड घोषित करने की कोशिश की गई। फिलहाल ये देखना होगा कि इस चर्चा के बाद आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा।